गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूं ज़ेबा। तो वापस से करने वाले हैं हम रिव्यू। मैंने ब्लू हेवन के सारे नहीं कर सकती, बट मैंने जितने भी न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है सबका मैंने रिव्यू देने की कोशिश करी है आपको। सो अगेन हम करने वाले हैं एक रिव्यू। तो मेरे पास है मेरा ये ब्लू हेवन का ऑयल इन्फ्यूज मॉइस्चराइजर क्लिंजिंग वाटर। आज मैंने ब्लू हेवन का जो मेकअप रिमूवर स्टिक है, जो न्यू बिल्कुल न्यू लॉन्च है, मैंने उसका रिव्यू भी किया है। मैं अगर इससे पहले वो वीडियो गया तो मैं आपको लिंक डाल दूंगी, आप देख लें। तो ऐसे ये है हमारा ब्लू हेवन का मॉइस्चराइजर वाटर विद गुडनेस ऑफ आर्गन ऑयल। पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की, उसके बाद हम बाकी की कैसा करेंगे, कैसा वर्क करता है तो कैसा। तो गाइस ये एक बॉटल है, नॉर्मल जैसे बॉटल होती है, प्लास्टिक की बॉटल है और एक सिल्वर कलर का इसका कैप है, जो पैकिंग बहुत अच्छी है, आप देख लें। सो इस पे लिखा है ब्लू हेवन ऑयल इन्फ्यूज मॉइस्चराइजर क्लिंजिंग वाटर विद गुडनेस ऑफ आर्गन ऑयल, रिमूव ट्रांसफर प्रूफ मेकअप इन वन स्वैप। सो हमारा जो ट्रांसफर प्रूफ मेकअप है वन स्वैप में ये उसको रिमूव कर देगा, नो रिंस ऑफ। तो आपको इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है, पैराबेन फ्री है एंड नॉन ग्रीसी है, ठीक है। फॉर ऑल स्किन टाइप्स की जो क्वांटिटी है 125 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है। गाइस सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप है, मीन्स आपका स्किन टाइप जो भी है ना कर ले यूज, कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस इस तरफ हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट पीछे की तरफ लिखा है हमारा जो है ब्लू हेवन ऑयल इन्फ्यूज मॉइस्चराइजर क्लिंजिंग वाटर, इट्स वर्क लाइक मैजिक। सो गाइस इसमें आपके मेकअप को रिमूव करने के बाद ये हमारे स्किन को ड्राई नहीं करता है, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। एंड आपके हमारे आईज है, हमारे लिप्स हैं, आप उसको अच्छे से उसको रिमूव कर देगा ये, और हमारे स्किन के जो फेस के पीएच बैलेंस है उसको भी लेवल रखेगा, उसको लो या डाउन नहीं करेगा, ठीक है। इसमें लिखा है हाउ टू यूज, एक्टिव सॉल्यूशन शेक करना है, देन डैम करना है कॉटन में, जल्दी होल्ड करना, दो मिनट के लिए होल्ड करना है, देन इसको रिमूव हो जाएगा। आप चाहें तो वॉर्म वाटर से इसको वॉश कर सकते हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है इसका, 125 ml की क्वांटिटी है, 30 months की इसकी सेल्फ लाइफ मिलती है आपको। इसका प्राइस है 150 rupees, मैंने मंगाया इसको पर्पल से और मुझे आई थिंक 120 or 130 का मिल गया था, मैं लिंक डाल दूंगी आप देख लेना। ओके तो गाइस ये अगर आप पास से मैं आपको क्लोजअप लुक दूँ तो आप देख लेंगे, इतना वाटर है और ऊपर आपको ब्लू दिख रहा है ना, ये मॉइस्चराइजर वाटर है गाइस। सो हमें अच्छे से दिख रहा है कि इसके अंदर मॉइस्चराइजर वाटर है, ठीक है। और जो आपको ये बबल्स दिख रहे हैं ना, ये ऑयल है, आपको दिख रहे हैं बबल्स, ये ऑयल है जिन्होंने क्लेम किया कि आर्गन ऑयल है। दैट मीन्स ये वाटर के अंदर या जब भी आप ऑयल डालते हैं आप देखेंगे ना वो बबल्स की तरह आता है, जो ये वो बबल है ये ऑयल है। और हमें बहुत अच्छे से आपको इस पर इट्स ट्राइड। सो मैंने मेरे फेस में मेकअप लगाया है, मेरा मस्कारा जो है वो हमारा मेबलिन का वाटरप्रूफ मस्कारा है, अगर आप यूज़ करते हैं आपको पता है कि वो निकलता ही नहीं है। लिपस्टिक लगाई है मैंने मेबलिन सेंसेशन की लिपस्टिक इन द शेड 30। गाइस दिस इज नॉट जस्ट आ लिपस्टिक, दिस इज आ पेंट जो नहीं निकलता है। तो मैंने जानबूझ के लगाया कॉज हमें देखना है राइट, कॉज इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका प्राइस बहुत अच्छा है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सारे अच्छे हैं, तो आई जस्ट वांट कि अच्छे से वर्क करें। सो गाइस इसका जो स्टिक है मैंने उसका भी मैंने बताया आपको, स्टिक है मैंने उसका भी रिव्यू दिया है, मैं लिंक डाल दूँगी आप देख लें। कर लिया हमने अच्छे से मिक्स, आप देख लें पूरी तरह से मिक्स हो गया है हमारा वाटर, जो था वाइट था वो ब्लू हो गया है। तो गाइस यहाँ पे ना बहुत अच्छे से यहाँ पे सील लगी हुई है, उस पर लिखा है डू नॉट एक्सेप्ट इट, अगर सील नहीं है तो आप इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे अपना एक पैड ले रही हूँ और मैं इसको अच्छे से इसमें डालूँगी और अब हम इसको अपने लिप्स पे पैड कर लेते हैं। ये क्या हो गया आप देख लें गाइस, टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे यही एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज इसमें इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे हैं। इस साइड हमारा क्लीन है तो इस साइड को हम अपनी लैशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ऊपर जाऊँगी लैशेस के एंड जस्ट 2 मिनट के लिए इसको होल्ड रखूँगी अपनी लैशेस के ऊपर, बिकॉज मुझे अपनी मेबलिन का जो हमारा मस्कारा है उसके लिए थोड़ा सा डाउट है, बाकी सब तो निकल ही जाएगा। ओके गाइस एक और बात ये ना मेरी आईज में गया है, बट मुझे कोई भी प्रॉब्लम या इरिटेशन मेरी आईज में नहीं है, देख लें मस्कारा बिल्कुल ख़त्म हो गया, इसमें मेरा अच्छा खासा मस्कारा लगा हुआ है एंड इसमें मस्कारा नहीं है। ब्लू हेवन ने सच में गाइस कमाल कर दिया है, वो उनके जहन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, वो वैसे ही इंडिया का इतना अच्छा ब्रांड है, बट उनको आई थिंक नंबर 1 पे आना है। साथ में मज़े के साथ में इतना ज़्यादा अफोर्डेबल चीज़ें बना रहे हैं ना, मुझे हर कोई ले सकता है राइट। आप ले कितना कमाते हैं कितना क्या करते हैं नो मैटर, आपके पास जितना पैसा है आप उससे ले सकते हैं,
जो कुछ प्रोडक्ट मेकअप जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो जो सिर्फ वर्किंग वूमेन से वो ही खरीद सकती हैं, बट ब्लू हेवन ऐसा ब्रांड है जो सबको सबको बराबर रख के चीज़ें बना रहा है जो हर कोई खरीद सकता है। आई लव दिस माइसेलर वाटर गाइस, मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये। इसके रिजल्ट देखने के बाद मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए कि मैं क्या ही तो बोलूँ। वन मोर थिंग गाइस, फेस पे ना ड्राइनेस नहीं फील हो रही है, जब जब कोई जब भी मेकअप रिमूव करते हैं आपको पता है कि फेस पे ना ड्राइनेस फील होती है राइट, बट इसके साथ वो ड्राइनेस नहीं फील हो रही है मेरा। मुझे सबसे ज़्यादा अपने मस्कारे और अपनी लिपस्टिक की टेंशन थी कि वो निकाल देगा ना उसको, फिर तो भले ही भले है, और उसने निकाल दिया। मेरे फेस पे बिल्कुल भी मेकअप नहीं है, आप देखिए बिल्कुल मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन हो गई है। ये लिया है मैंने क्लीन टिश्यू और अब हम कर लेंगे चेक कि हमारे फेस पे कोई मेकअप है कि नहीं है। नथिंग, बस हमारे फेस पे कुछ नहीं है, मेकअप अच्छे से रिमूव हो गया है। और ये प्रोडक्ट बहुत 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 अच्छा है हर तरफ से, आप प्राइस वाइज देख लें, आप क्वांटिटी वाइज देख लें, आप पैकेजिंग वाइज देख लें, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप मुझे कहें कि क्या मुझे ये लेना चाहिए, मैं कहूँगी डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, आप ट्राई लें, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो गाइस ये था हमारा रिव्यू, और मैंने इससे पहले जितने ब्लू हेवन के रिव्यूज़ करे हैं मैं सबका लिंक डाल दूंगी, आप वन बाय वन देखें, आपको ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये आज की मेरी वीडियो, और अगर आपने इन्जॉय किया है देन प्लीज़, और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।